दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और पता है इस प्रोसेसर की खास बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एक NPU। और इस लैपटॉप का नाम है यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 5i जो कि पावर्ड है लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर के साथ। और ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल AI PC हो जाता है मार्केट में Lenovo की तरफ से। चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं इस Lenovo IdeaPad Slim 5i में क्या है और इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर की कहानी क्या है और इंटीग्रेटेड NPU के साथ जो AI फीचर मिलते हैं उसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो हम लोग Lenovo और इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिव्यू है, जो टेस्टिंग है, जो बेंचमार्किंग है, वो सारी हमने यहाँ पे खुद भी टेस्ट करी है, उसका इन्फ्लुएंस ब्रांड का यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे नए इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर की। ये इंटेल की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिलेगी, हाई एफिशिएंसी भी मिलेगी। और ये आता है अपने हाइब्रिड कोर डिजाइन के साथ, यानी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कोर भी है, एफिशिएंट कोर भी है, जिसका मतलब है कि जहां पे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जहां पे आपको ज्यादा एफिशिएंसी करनी है, लाइटवेट टास्क करने, वहां पर आपको बेटर बैटरी लाइफ भी मिलेगी। लेकिन यहां पे जो सबसे हाईलाइटिंग चीज है ना, वो है यहां पे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि NPU, जिसका यूज करके आप लैपटॉप के अंदर जो AI एनेबल्ड टास्क होते हैं वो यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक NPU का बेनिफिट ये रहता है कि CPU और GPU पे AI टास्क का कोई लोड नहीं आता, सारा का सारा जो काम होता है वो एक NPU यहाँ पे देखता है, जिसका मतलब ये कि आप यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं CPU और GPU के साथ। और जो AI वाले टास्क होंगे ना, वो बैकग्राउंड में आपका NPU सारे हैंडल कर लेगा। और AI वाले टास्क कौन कौन से, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते, यहाँ पे आपको फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, वहां पे विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने हैं, आपको कलर करेक्शन करना है, ऑटोमेटिक इमेज जनरेशन करना है, ये सारे जो AI इनेबल्ड टास्क होंगे ये आपका जो NPU होगा वो यहाँ पे इजिली परफॉर्म कर लेगा यहाँ पे। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा रियल टाइम परफॉर्मेंस में, क्योंकि सारी चीजें NPU बैकग्राउंड में हैंडल कर लेगा, तो CPU और GPU यहाँ पे फ्री रहेंगे, जिस कारण से आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर पाएंगे। प्लस जो NPU के अंदर जो AI वाले टास्क होंगे ना, वो आपके ऑन डिवाइस यहाँ पे प्रोसेस होंगे, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। इसके साथ ही ये बताने की जरूरत है ना कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी लो रहेगा, और इसका जो यूज होता है ना, वो आप एन नंबर ऑफ जगह कर सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन हो गया, और भी काफी सारे वर्क प्लेस के टास्क होते हैं, ढेर सारी एप्स होती है जिसको यहाँ पे ऑलरेडी ये सपोर्ट करता है। और तो और इसी के साथ गेमिंग में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे गेम प्ले एनहेंस होता है, AI अप स्केलिंग होते हैं, जहाँ पे आपको बेटर रिजोल्यूशन, बेटर फ्रेम रेट्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली NPU ऐसी चीज है जो लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी लैपटॉप की वो एनहेंस हो जाएगी, बदले में आपको एक बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, और जो AI इनेबल्ड टास्क होंगे ना, वो आप लैपटॉप के अंदर ही यहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। और वही बात करें Lenovo IdeaPad Slim 5i की, तो इसके अंदर भी आपको एक AI इनेबल्ड प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है इंटेल अल्ट्रा कोर 5 125H। ये प्रोसेसर में आपको 14 कोर्स देखने को मिलते हैं, 18 थ्रेड्स के साथ आता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है 4.5 GHz की, और कैशे देखने को मिलता है 18 MB का। और वहीं पे बात करूं AI इनेबल्ड टास्क की, तो हाँ, इस लैपटॉप के अंदर आप काफी सारी AI वाली चीजें कर सकते हैं, जैसे कि रिवाइंड AI का यूज कर सकते हैं, जो आपके मैसेजेस, मीटिंग शेड्यूल वगैरह इन सबको ऑर्गेनाइज कर सकता है। और यहाँ पर आपको मिलता है आपका अपना खुद का एक AI इनेबल्ड पर्सनल असिस्टेंट। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको AI ड्रिवन फोटो एडिटिंग देखने को मिलती है, जिसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया Adobe Photoshop के साथ। इसके साथ ही AI फोटो एडिटिंग के अंदर आप यहाँ पे फोटो बॉम्ब होता है उसे हटा सकते हैं, जनरेटिव फिल देखने को मिलता है, AI एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको AI ड्रिवन वीडियो एडिटिंग भी टेस्ट करी, जिसके अंदर आप यहाँ पे AI का यूज करके वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सीन डिटेक्शन, ऑटो फ्रेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने वो, और जो वीडियो एडिटिंग का टैब होता है सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, वो आप ड्रास्टिकली यहाँ पे कम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि AI का यूज करके आप प्रोफेशनल लुकिंग क्वालिटी का वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये सब काम आपको चुटकी बजाती हो सकता है, तो ये भी बेनिफिट है इसका। और इसके साथ ही बात करें तो AI का यूज आप मल्टीपल्स एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस के साथ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडल बनाना, ओडेसिटी के अंदर ऑडियो को एडिट करना, या फिर स्टेबल डिफ्यूजन में, या फिर फिल्मोरा के अंदर एडिटिंग में। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है जिसके अंदर आप AI का यूज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। और ये सब की कंपेटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर के साथ। और अगर मैं यहाँ पे अब बेंच मार्किंग की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने PC Mark 10 को रन किया जिसके अंदर 6389 स्कोर आया था, 3D Mark को रन किया जिसके अंदर स्कोर आया था 3674, और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से ये एक काफी इंप्रेसिव स्कोर हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो गेमिंग भी यहाँ पे मैंने टेस्ट करी। ऑल्दो ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, इट इज नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, लेकिन इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आर्क GPU देखने को मिलता है, जो कि सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा फास्ट है आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस के लिए भी। क्योंकि यहाँ पर मैंने रन किया GTA 5 जैसा टाइटल जो नॉर्मल सेटिंग के अंदर कंसिस्टेंटली 100 FPS डिलीवर कर रहा था, जो कि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और इससे पता चलता है कि इंटेल आर्क GPU कितना ज्यादा फास्ट होता है यहाँ पे। वही बात करूं रैम की, तो यहाँ पर आपको 16GB की रैम देखने को मिलती है, जो कि है LPDDR5X के साथ। SSD की बात करें तो ये 1TB की M.2 NVMe SSD के साथ आता है, जिसके अंदर आपको रीड स्पीड मिलती है अराउंड 4900 MBPS की, और राइट स्पीड मिलती है अराउंड 4000 MBPS की, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। बात करें डिस्प्ले की, तो ये लैपटॉप के अंदर आपको 16 इंच का WUXGA डिस्प्ले है, 1920x1200 रेजोल्यूशन के साथ आता है, 300 nits की ब्राइटनेस है, 100% sRGB के सपोर्ट के साथ है, यानी कि अगर किसी को फोटो एडिटिंग, कलर करेक्शन ये सब करना है कंटेंट क्रिएशन में, उसके लिए सूटेबल चीज होती है। इवन व्यूइंग एंगल्स इस लैपटॉप के काफी सही है, जिसका मतलब है कि आप इसे डिफरेंट एंगल्स पे कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपके ऑफिस वाले टास्क के लिए भी कंप्लीटली फाइन नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर है, ताकि लंबे समय तक अगर आप डिस्प्ले को यूज करें तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना आए। और इस हिसाब से हर एक यूज केस के लिए काफी डिसेंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इधर। और वही बात करें, लेनोवो ने यहाँ पे अपनी खुद के AI इंजन को भी डेवलप किया, जिसके अंदर आपको कुछ मल्टीपल AI के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको स्मार्ट वायरलेस है, जिसके अंदर ये ऑप्टिमाइज करता है वायरलेस कनेक्टिविटी को, यानी कि आप कहीं पर भी हो आपको कंसिस्टेंट वाईफाई की स्पीड्स मिलती रहे, ताकि आप जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है ना, वो यहाँ पे लूज ना करें। इसके साथ ही आपको स्मार्ट नॉइस कैंसलिंग देखने को मिलती है, यानी कि आप वीडियो कॉल में बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पे AI का यूज करके बैकग्राउंड नॉइस को कम कर दिया जाएगा, ताकि आपकी आवाज सामने वाले तक क्लियरली पहुंचे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्मार्ट पावर देखने को मिलता है, यानी कि डिवाइस का जो पावर मैनेजमेंट होता है वो भी AI यहाँ पर देखेगी, जिसके अंदर ये पावर यूज को मैनेज करेगा, ताकि आपको लंबे से लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिल सके। इसके साथ ही आपको सुपर रेजोल्यूशन है, यानी कि अगर आप कोई भी लो रेजोल्यूशन का वीडियो देख रहे हो, ऑटोमेटिकली AI का यूज करके आप स्केल होगा और आप बेटर रेजोल्यूशन में वीडियो और फोटो कंटेंट को कंज्यूम कर पाएंगे। कनेक्टिविटी में इसके अंदर आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट है, और ब्लूटूथ के अंदर आपको 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। पोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे दो USB टाइप ए पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि USB 3.2 Gen 1 के साथ है। दो USB टाइप सी पोर्ट है, वो भी USB 3.2 Gen 1 के साथ है, लेकिन वहां पे आपको USB पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता है, जिसका यूज करके आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का भी सपोर्ट है। यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो HDMI 1.4 है, एक 3.5mm ऑडियो जैक है, और हाँ, यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड के लिए भी स्लॉट देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें Lenovo IdeaPad Slim 5i की बिल्ड के बारे में, तो हाँ यार, एक स्लिम लैपटॉप है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, लेकिन ये एक ड्यूरेबल लैपटॉप भी है। ऊपर की तरफ आपको ग्रे और सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, Lenovo का लोगो है, लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसका मतलब ये कि काफी रफ एंड टफ यूज केस में भी ये लैपटॉप यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। काफी पतला है, हल्का है और इजी टू कैरी है, बैकपैक में आप इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं। इवन देखा तो उसका कीबोर्ड भी सही है, टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ट्रैक पैड के अंदर आपको मल्टीपल जेस्चर का सपोर्ट है, और हाँ, इस लैपटॉप के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हिंज भी देखने को मिलेंगे, जो कि 170 डिग्री के एंगल तक यहाँ पर आ सकते हैं। इसी के साथ ही बात करें थर्मल्स की, तो यहाँ पे आपको Lenovo इंटेलिजेंट पावर एंड कूलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे फैन की स्पीड को इंटेलिजेंटली एडजस्ट किया जाएगा, जिससे आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी मिले, प्लस डिवाइस का टेम्परेचर भी यहाँ पे लो से लो रहे। और हाँ, इसका बेनिफिट ये कि आपको एक लंबी बैटरी लाइफ भी देखने
देखने को मिलेगी यहाँ पे इस लैपटॉप में विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ऑडियो के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 2 वॉट के 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, टॉप फायरिंग है, काफी लाउड है, डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं और हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्टेंट कंजम्पशन दोनों के लिए सुटेबल होते हैं। यहाँ पे वेबकैम में बात करें तो आपको 1080p फुल HD वेबकैम मिलता है विद IR सेंसर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, जिसका बेनिफिट ये कि फेस अनलॉकिंग के फीचर के साथ आता है। जब भी आप लैपटॉप की लिड ओपन करेंगे इसका यूज करके आपके फेस को स्कैन करेगा और उसके बाद आपके लैपटॉप को अनलॉक कर सकता है। और हाँ यहाँ पे आपको प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और वहीं बात करें इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में, 57 वॉट आवर की बैटरी आती है, USB टाइप सी बेस्ड चार्जर है और रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि 15 मिनट्स के चार्ज के अंदर आप इस लैपटॉप को 2 आवर्स तक यूज कर सकते हैं और अगर आपको 100% बैटरी के साथ इस लैपटॉप को यूज करना है तो 6 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। तो हाँ यार फास्ट चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आपको लैपटॉप देखने को मिलता है। और इसके साथ ही फाइनली कंक्लूजन में ये बात बोलना चाहूंगा कि जो लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5 आया ना, ये एक कंप्लीटली AI ड्रिवन PC जो लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर के साथ आता है और इंटीग्रेटेड NPU होने का बेनिफिट ये कि ढेर सारी जो AI एप्लीकेशंस आती है ना वो इस लैपटॉप में हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाएंगे और आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक काफी सुटेबल लैपटॉप हो जाता है। और स्लिम 5i की सबसे बेहतरीन चीज ये कि वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल AI इनेबल्ड PC है इंडिया में मिलने वाला लेनोवो की तरफ से। और बात करें लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5i की प्राइसिंग की तो 80,990 का ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर और ये आता है एक्सीडेंशियल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ भी। इसके साथ ही लेनोवो ऑफर करता है कस्टमाइज योर PC, जहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने PC को, अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं और ये अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली lenovo.com पे और कस्टमाइज डिवाइस कस्टमर्स को डिलीवर हो जाएगा विद इन 4 डेज एट सिलेक्टेड locations। और अगर आप इस वीडियो के व्यूअर है और अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं ना तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है उत्सव टैकी 3000 AI, जिसका यूज करके आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली 3000 rupees का ऑफ देखने को मिलेगा। है ना काफी कमाल की चीज लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5 के लिए ये भी। तो दोस्तों यार ये थी कहानी लेनोवो के इस लैपटॉप की। AI इनेबल्ड PC है, काफी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आता है और लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर के साथ आता है विद इंटीग्रेटेड NPU। बाकी आप लोगों को ये लैपटॉप यहाँ पे कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।